आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दीप पर्व के उपरांत मडई मेलों का आगाज होता है। दीप पर्व के बाद मडई मेले जबरदस्त तरीके से जगह जगह मडई मेलों का आयोजन होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बोरदई टेकरी पर, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, बोरदई टेकरी पर इनामी मड़ई का आयोजन किया गया। महाकालेश्वर मंदिर बोरदई टेकरी पर कार्तिक पूर्णिमा पर इस आयोजन को किया गया। इनामी मड़ई में पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति की गई और बहुत पुरस्कार बांटे गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी शहर से कटंगी मार्ग, कटंगी रोड पर के बाईपास पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ये बोरदई टेकरी पर मंदिर स्थित है। बोरदई टेकरी शहर का एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता था, पर धीरे धीरे यहाँ अतिक्रमण होता चला गया और अब पूरी की पूरी बोरदई टेकरी अतिक्रमण की जद में आ चुकी है। बहरहाल महाकालेश्वर मंदिर बोरदई टेकरी पर कार्तिक पूर्णिमा पर इनामी मड़ई का आयोजन किया गया। प्रकृति स्वच्छता ज्ञान योग समिति के सदस्यों के द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदर्शन व वेशभूषा के आधार पर निर्णायक मंडल ने अहेरी नृत्य करने वाले दलों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार जनता नगर के नृत्य दल को 3,100 रुपये और शील्ड, द्वितीय पुरस्कार 2,100 रुपये और शील्ड पिपरिया के दल को दी गई और तृतीय पुरस्कार 1,100 रुपये और शील्ड जसवाल कॉलोनी के नृत्य दल को दी गई। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार 501 रुपये और शील्ड खैरी ग्राम बड़गांव और सुकवाहा के अहिरी नृत्य दल को प्रदान किया गया। मड़ई में बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। इस तरीके के मड़ई मेलों का आयोजन अब वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा पहले हुआ करता था। दरअसल पारंपरिक जो चीज़ें होती हैं उनसे लोग रूबरू हुआ करते थे। ये ऐसे झूले अब आपको दिखाई शायद नहीं दें। ये मड़ई मेलों की शान हुआ करते थे, मड़ई मेले लोग जाते थे। दरअसल उस समय मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे और तब जहाँ भी मड़ई भरती थी आसपास के 25-50 गांव के लोग पहुँचते थे। देखिए यहाँ पर इमरती बन रही, पारंपरिक मिठाइयाँ यहाँ पर आपको बनती दिखाई देती हैं, जो आपको सामान्य तौर पर खाने को नहीं मिलता। सामान्य तौर पर जो आपको चीज़ें नहीं मिलती वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत लजीज व्यंजन यहाँ पर, जो ग्रामीण परिवेश के लजीज व्यंजन आपको यहाँ मिलते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। महिलाओं की भागीदारी आप देखिए किस तरह है, यहाँ महिलाओं की भागीदारी और महिलाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगे। खुद ही स्टॉल लगाकर स्टॉल चलाती हुई दिख रही हैं। पूरी तरह प्रसन्न चित्त बच्चों को, बड़ों को, सभी को यहाँ पर देखिए फुलकी खिलाती हुई नजर आ रही होंगी। एक अन्य यहाँ पर महिला भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर उनके द्वारा भी फुलकी का स्टॉल लगाया गया है। पारंपरिक जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिलती हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से गर्मा गर्म इमरती बन रही थी और ये देखिए यहाँ पर अहिरी नृत्य, जिसके लिए ये मड़ई मेले बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रसिद्ध हैं, उन अहिरी नृत्यों का यहाँ नृत्य का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ढोलक की थाप पर, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो भी साज उपयोग में हो रहे हैं वो पारंपरिक साज हैं। थालियाँ होती हैं, थालियों को बजाकर आप देख रहे होंगे, थालियाँ बज रही हैं और कितना सुंदर यहाँ पर पीछे से ध्वनि उसकी आ रही है। ये सब देखकर आज प्रौढ़ हो रही पीढ़ी को अपना बचपन निश्चित तौर पर याद आ रहा है। वह समाचार एजेंसी पिंडी का यही प्रयास है कि हम आपको आपके अतीत में भी लेकर जाएं और आधुनिकता भी यहाँ दिखाई दे रही है।
ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था भी यहाँ पर दिख रही होगी, सिंघाड़े बिक रहे हैं, आप ऑनलाइन भुगतान करके यहाँ से सिंघाड़े खरीद सकते हैं। वास्तव में जगह जगह अब ऑनलाइन कैशलेस व्यवस्थाएं लागू होती नजर आ रही हैं। गांव-गांव जाकर आप अब लोग अपने जेब में पैसे रख कर शायद चलना पसंद शायद नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर नमकीन मिठाई, गुड़ की मिठाई और गुड़ की जो गुड़ के सेव, गुड़ के लड्डू यहाँ इतने लजीज मिलते हैं कि आपके मुंह में खा लें तो साल भर उसका स्वाद बना रहेगा। कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मड़ई मेलों का आप आनंद लीजिए, मड़ई मेले हम आपको लगातार घुमाते रहेंगे। जो भी चीज़ें मड़ई मेलों में मिलती हैं वे आपको सामान्य तौर पर शहरों में नहीं मिल पाती हैं। चांद भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और कितना सुंदर छायांकन किया है अशोक सोनी के द्वारा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।